हेलो यूट्यूब। काफ़ी टाइम से सोचने के बाद सोचते विचारते कि एक वीडियो बनाना शुरू करूँ मैं। काफ़ी टाइम अपना लगाने के बाद ये मेरी पहली वीडियो है, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा मोटिवेशनल क्लिप डाली जाए। जैसा कि मैं इतने टाइम से सोचते सोचते कि एक यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू करूं, वीडियो बनाऊं, थोड़ा सा दिन भर की जो भाग दौड़ जॉब से फुर्सत मिलती है उससे थोड़ा सा हट के कुछ करूं जिससे दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकें। सो मैं उसी अपने एक्सपीरियंस को या उसी अपने सोच को एक मोटिवेशनल क्लिप के हिसाब से सोचा क्यों ना उसी से शुरू करता हूँ। क्या है कि जब हम किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं, जस्ट लाइक थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, ध्यान देना। जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं उस चीज़ को शुरू करने में इतना टाइम लगा देते हैं, इतना टाइम लगा देते हैं ना कि शुरू करने में जितने में हम आधा काम अपना ख़त्म कर सकते हैं उतना टाइम हम उसको शुरू करने में लगा देते हैं। सो बेहतर यह होता है कि जब आप कुछ काम शुरू करना चाहते हो, आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है उसको, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये स्टार्टिंग आपको बहुत मैटर करती है। अगर क्रिकेट की भाषा में आपको समझाऊं कि अगर 5 मैचों की सीरीज, अगर पहला मैच पूरी सीरीज पे इफेक्ट डालता है, तो इसलिए टीमें पहले मैच में ज़्यादा जोर देती हैं, खासतौर पे जो टीमें विजिट कर रही होती हैं। सो जब भी हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो हम शुरुआत कैसे करें, सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहिए। आप एक स्टार्टिंग का एक रूपरेखा जिसे कह सकते हैं तैयार करो और उसको स्टार्ट करो। उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट आगे की चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए कि सपोज़ कि हमने इस चीज़ को स्टार्ट कर लिया, अब इस चीज़ को स्टार्ट करने के बाद हम कैसे करेंगे, फिर हम ये करेंगे। नहीं, उस पर टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए। आप किसी चीज़ को करना चाहते हो उसको स्टार्ट कैसे करें पे आप उसको एक प्लान बनाओ, उसके थ्रू स्टार्ट करो। और जब आपने स्टार्ट कर लिया, आपने स्टार्ट करते ही, आइए ध्यान रखना, आप स्टार्ट करते ही एक एक्सपीरियंस गेन करना शुरू कर देते हो। सपोज आपने स्टार्ट किया, आपने उसको देखा, उसको सोचा, उसको एक्सपीरियंस किया, आपको लगा यार नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो और बेहतर होता, या अगर मैं ये नहीं करता तो ये अच्छा होता, तो उस एक्सपीरियंस को आप उसकी अगली कड़ी या उससे आगे की चीज़ों में लगा सकते हो। ध्यान देना आप इस चीज़ को, जो काम आप पहले ही काम शुरू करने से पहले ही करना चाहते थे कि शुरू कैसे करें, तब ये इसके बाद ये कैसे करेंगे, उसके बाद वो कैसे करेंगे, उसकी बजाय आप अब अपना टाइम उस चीज़ पे लगा रहे हो कि हम इसको और अच्छा कैसे करें। दोनों में अंतर है, गौर करिएगा कि जब आपने शुरू नहीं किया था आप अपना टाइम लगा रहे थे कि हम स्टार्ट कैसे करें, फिर स्टार्ट करने के बाद फिर ये करना पड़ेगा तो इसको कैसे करेंगे, फिर इसके बाद ये करना पड़ेगा इसको इस करेंगे, जबकि आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है। वही काम जब आप स्टार्ट करने के बाद सोचोगे तो आप उसको और अच्छा बनाने के लिए उस टाइम को यूज़ करोगे। तो जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान देने वाली बात है कि आप स्टार्ट करने में देरी मत करो, स्टार्ट करो, प्लान करो और उसको करने के साथ साथ जो आपको एक्सपीरियंस आ रहा है उसको उसी को आगे बढ़ाने में यूज़ करो। सो मेरा भी सेम वही एक्सपीरियंस रहा है, सोचते 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 मैंने कहा चलो पहली वीडियो शुरू करते हैं। सो होप आप जरूर समझ रहे होंगे मेरी बात को, और अगर कुछ करना चाह रहे हैं या आप करने सोचेंगे, या आपसे कोई, सबसे बड़ी चीज़, आपसे कोई अगर किसी चीज़ के लिए हेल्प मांगता है कि यार ये कैसे करना था कैसे करें, तो शायद कहीं ना कहीं आप उसको बेहतर सजेशन दे पाओ। उम्मीद करती है वीडियो की सीरीज या ये आपसे कनेक्ट होने का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद।